सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दर्शन ठक्कर और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ KTM Duke 250 और KTM RC 200 के बारे में। और फ्रेंड्स इन शॉर्ट ये एक कंपैरिजन वीडियो रहेगा। और फ्रेंड्स अगर आप कंफ्यूज हो कि दोनों बाइक में से कौन सी बाइक बाय करें तो आप ये वीडियो पूरा देखो, आपका डाउट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको दोनों बाइक के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन पूरा मालूम पड़ जाएगा और एक रिव्यू भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो दोनों बाइक है, तो सबसे पहले एक मैं एक बात बता दूँ कि ये जो RC 200 है और KTM Duke 250 है, ये दोनों बाइक में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे RC 200 जो है ये पूरा एक स्पोर्ट्स बाइक है और ये एक ट्रैक फोकस्ड बाइक बोल सकता हूँ मैं, और जो Duke 250 है ये एक टूर टाइप बाइक है। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले अगर कन्फ्यूज हो दोनों बाइक में से आपको कौन सी बाइक लेना है, तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको कौन से सेगमेंट में बाइक चाहिए, मतलब स्पोर्ट्स टाइप चाहिए या फिर टूर टाइप चाहिए। और मैं ये बोलूँगा कि अगर सबको लॉन्ग राइड्स करना है और डेली आपका जो किलोमीटर रनिंग है ज़्यादा है तो आप Duke 250 के लिए जाइए, क्योंकि Duke 250 का जो सिटिंग पोजीशन है ये काफ़ी कंफर्टेबल है RC से। RC का जो ये है सिटिंग पोजीशन ये पूरा स्पोर्ट्स टाइप है और सिटिंग पोजीशन में RC 200 का जो हैंडल है ये थोड़ा सा नीचे है और सीट हाइट ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो आर्म्स का जो प्रेशर रहता है ये पूरा हाथ के ऊपर आता है और हाथ जो ये मतलब अगर सपोज आप लॉन्ग राइड करते हो 10-15 किलोमीटर के ऊपर बोलो तो हाथ जो ये लाल होने लगते हैं, तो वो एक आपको प्रॉब्लम रहेगा RC 200 के लिए। और Duke 250 का जो सिटिंग पोजीशन है काफ़ी कंफर्टेबल है, तो उसके अंदर आपको सिटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कितना भी अगर आपको लॉन्ग राइड्स करना है तो उसके अंदर आपको बिल्कुल भी सिटिंग का या फिर जो अपन बोलते हैं पीठ का जो पेन रहता है वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फ्रेंड्स अगर राइडिंग क्वालिटी की बात करूँ तो राइडिंग क्वालिटी दोनों बाइक्स की ऑलमोस्ट सेम है। और जैसे कि मैंने आपको अभी पहले सिटिंग पोजीशन का बात बताया, तो RC 200 का सिटिंग पोजीशन थोड़ा सा एग्रेसिव है। और एक Duke 250 में फ्रेंड्स प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको सिल्वर क्लच मिलने वाला है, तो उसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा ही, और उसकी वजह से राइडिंग क्वालिटी थोड़ी सी Duke 250 की बेहतर होती है। लेकिन Duke 250 का जो फ्रेंड्स पावर है ये है 29.60 BHP, मतलब आप 30 BHP समझ सकते हो। तो वैसे तो दोनों बाइक में मतलब RC 200 का जो पावर है ये है 25 BHP, तो दोनों बाइक्स के अगर आप पावर देखोगे तो 5 BHP का डिफरेंस है। लेकिन फ्रेंड्स मैंने जब बाइक को राइड किया था Duke 250 को, तो मुझे ये जो 5 BHP का डिफरेंस है इतना फील नहीं हुआ था मतलब राइडिंग के वक्त। और Duke 250 का जो इनिशियल पिकअप है थोड़ा सा लो है, तो अभी ये मैंने फील किया इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन शॉर्ट जो पावर का जो डिफरेंस है 5 BHP का ये इतना फील नहीं होता है। और फ्रेंड्स दोनों बाइक के अंदर जो सस्पेंशन है ये काफ़ी अच्छे है, दोनों बाइक्स के अंदर आपको WP के मोनोशॉक सस्पेंशन मिलती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो थ्रॉटल का रिस्पांस था ये मुझे Duke 250 का अच्छा लगा है, और ऑब्वियसली उसके अंदर स्लिपर का अच्छा तो थोड़ा सा फर्क पड़ ही जाता है। और फ्रेंड्स अगर डिस्क ब्रेक की साइज़ की बात करूँ तो दोनों बाइक्स में सेम है, फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में 230 mm का। और फ्रेंड्स ये बाइक के अंदर और कोई टेक्निकली बड़ा चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो Duke 250 का एक्स शोरूम प्राइस है 1,78,000 रुपीज़ और RC 200 का 1,77,000 रुपीज़, और ये एक्स शोरूम प्राइस है पुणे के अंदर। तो प्राइसिंग में आप देखोगे तो फ्रेंड्स 1,000 रुपये का फ़र्क है, तो अगर आप देखोगे तो वैल्यू फॉर मनी तो Duke 250 ही रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स Duke 250 के अंदर आपको जो माइलेज है थोड़ा सा कम मिलेगा, आपको Duke 250 में सिटी के अंदर जो माइलेज मिलेगा ये रहेगा 26 से लेकर 27 किलोमीटर पर लीटर का, और RC में आपको माइलेज थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा, 30 से 32 किलोमीटर पर लीटर तक का आपको सिटी का माइलेज मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर लास्टली मेरे ओपिनियन की बात बताओ, अगर मुझे दोनों में से एक चूज़ करना रहता तो मैं चूज़ करता KTM Duke 250, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर स्लीपर कोच का भी ऑप्शन मिल रहा है और जो इंजन कैपेसिटी ये भी थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है और पावर भी 5 BHP ज़्यादा मिल रहा है। हालांकि पावर में इतना फील नहीं होता है लेकिन फिर भी 5 BHP एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बस फ्रेंड्स आज के वीडियो लेते ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट हो उस बाइक के रिलेटेड, मतलब दोनों बाइक के रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का जो ये है मेरा लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है,
और फ्रेंड्स मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे हम सब बाइक रिलेटेड डिस्कशन करते रहते हैं। तो अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन होना तो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइनिंग लिंक दिए, वहाँ से आप सीधा ज्वाइन कर सकते हो। तो बस फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको मेरा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।